नमस्ते शाक्ष। नमस्कार। आज भी देश में टेलरिंग की इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है। देश की बड़ी एकेडमीज जहां पर टेलरिंग को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, वहीं छोटे छोटे टेलरिंग प्लेयर्स जिनके पास प्रॉपर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मार्केट 27,000 करोड़ का है और अगर टेलर्स और ब्यूटी ओनर्स को अगर टेलरिंग के साथ साथ फिनिशिंग भी सिखाई जाए तो वो इस इंडस्ट्री से ज़्यादा कमा सकते हैं। आखिर एक अच्छे टेलर की पहचान उसकी फिनिशिंग से ही तो होती है। तो शाक्स, टेलरिंग और फैशन को जोड़ने के लिए हमने शुरू किया राजा रानी कोचिंग। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है मोहित। मेरा नाम है प्रिया। हम दोनों पति पत्नी राजा रानी कोचिंग के को-फाउंडर हैं एंड हम सूरत से आए हैं। राजा रानी कोचिंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलरिंग एकेडमी है। देश की बड़ी बड़ी एकेडमी जैसे निफ्ट और एनआईडी जहाँ पर साल की सिर्फ 6,000 सीट्स ही अवेलेबल होती है, वहीं पिछले 2 सालों में हमने पूरे देश में 70,000 से भी ज्यादा बच्चों को टेलरिंग एंड डिजाइनिंग का काम सिखाया। Well done. हमारा विजन है कि अगले साल से हम पूरे इंडिया में हाइब्रिड सेंटर्स के माध्यम से हमारी पहचान को बढ़ाए। इस विजन के लिए हमें आपका साथ चाहिए एंड हमारी आस्क है 1.3 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, जॉइन अस, क्योंकि स्किल्ड होगा इंडिया तभी तो बिल्ड होगा इंडिया। मोहित और प्रिया, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। आप दोनों ही राजा रानी लग रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। ये आइडिया कैसा है आपको? आपका कोई पास बैकग्राउंड है टेलरिंग में? यस, राजा रानी कुचूर के नाम से ऑलरेडी हमारा एक सेटअप बिजनेस है जहाँ पे हम रेंट पे और मेकिंग से आउटफिट प्रोवाइड करते हैं। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने राजा रानी कोचिंग की शुरुआत की। और 21 साल में किया आपने चालू? राजा रानी कोचिंग 2021 में शुरू हुआ। और आप दोनों की एज क्या है अभी? मेरी 25 और इनकी 23। तो राजा रानी कुटूर कब स्टार्ट किया था आपने? राजा रानी कुचूर हमने 2014 में स्टार्ट किया था। मेरी सिस्टर इन लॉ ब्रह्माणी के नाम से रेंट पे आउटफिट प्रोवाइड करती थी, तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं उस बिजनेस में जुड़ूं। तो टेलरिंग के मामले में हम थोड़े वीक थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम इस इंस्टीट्यूट से, छोटा सा इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे मेरे को भेजा गया जहाँ पे 70 लड़कियों के बीच में मैं अकेला सीख रहा था। अरे क्या बात है। तो वहाँ पे मुझे प्रिया मैम मिले। आपने उन्हें प्रिया मैम बोला? यस। क्यों? मेरे सिस्टर इन लोग के साथ जब मैं बिजनेस में था तो मैं उनको उन्हीं का मैम कह के बुलाने लगा, तो जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरी जुबान पे ये वर्ड ही रह गया, मतलब मैं इनको पहले से प्रिया मैम ही बुलाता हूँ। बहुत क्यूट कपल हो। तो उसके बाद हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और हमने फिर साथ में फैशन डिजाइनिंग किया INFD सूरत से। एक साल हमने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नजर आया कि छोटे छोटे टेलरिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे प्रॉपर मेथड एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये बड़े इंस्टीट्यूट गारमेंट कंस्ट्रक्शन के अलावा इलस्ट्रेशन, फैशन ड्राइंग, इलस्ट्रेशन, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं जहाँ पे टेलरिंग की नॉलेज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाई जाए। हमारे देश में ज़्यादातर हम पढ़ाई पहले कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, काम के बारे में बाद में सोचते हैं। अगर आप यूरोप में देखो तो उसका नाम होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, कि आप जो काम करने वाले हो उसी में पढ़ाई करते हो। लेकिन साथ साथ में प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारी है देश में, और वो भी ये साथ में सिखाती है वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उसके साथ में आप कैसे कम्पीट करते हो, प्राइस पे कि बेटर सर्विस पे कि और कुछ? बेटर सर्विस पे हम डेफिनेटली उसी पे कॉम्पीट करते हैं, प्राइस पे कॉम्पीट कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग बहुत ही कम है। जैसे मान लो हमारा फुल कोर्स है, 4.5 महीने का कोर्स है, तो वो 37,500 इसकी प्राइस है। 37,000 चार महीने का कोर्स। हमारी जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है वो भी ये साथ में सिखाती है वोकेशनल ट्रेनिंग, तो उसके साथ में आप कैसे कम्पीट करते हो? बेटर सर्विस पे हम कॉम्पीट करते हैं, प्राइस पे कॉम्पीट कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग बहुत ही कम है। जैसे हमारा फुल कोर्स 4.5 महीने का, 37,500 इसकी प्राइस है। 37,000 चार महीने का कोर्स। यस। और उसमें क्या सीखते हैं आप? टेलरिंग सीखते हैं हम। 9 कोर्सेज है अलग अलग, डिफरेंट, तो वो सारे कोर्सेज हम उसमें सिखाते हैं। और गवर्नमेंट का क्या प्राइस होगा? गवर्नमेंट का होगा कुछ 5,000 के अंदर। ये चार सारा ऑनलाइन सिखाते हो? यस, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन के लिए सिर्फ सूरत में सेंटर है, ऑनलाइन तो हर कोई कहीं से भी सीख सकता है। तो हम लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों तरीके के क्लास प्रोवाइड करते हैं। बस पिछले 2 महीने से हमारी लाइव क्लास बंद है क्योंकि 2 महीने पहले मेरे बेबी का बोर्न हुआ है। अरे कांग्रेचुलेशंस। अरे अभी आज ही उसका 2 मंथ कंप्लीट होगा। 23 पेट कहाँ है आपका? तो प्रिंस है कि प्रिंसेस है? प्रिंस है। प्रिंस, अनबिलीवेबल।
एक यूज केस के हिसाब से बताइए, कैसे यूजर आपको सर्च करता है, कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करता है? लोगों को पता लगता है हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से। इंस्टाग्राम के हमारे 7 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। 7 लाख तो क्या नाम से? क्या नाम? राजा रानी कोचिंग के नाम से ही। और यूट्यूब वहाँ पे 1.5 लाख के करीब फॉलोअर हो चुके हैं। अमेजिंग। और वो भी हमने स्टार्ट ही किया है उसका 1 मंथ जैसे वीडियो डालना। तो मैं आपको हमारा इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। शाक्स में आपको एक रील दिखाना चाहूंगा जो हमारी मोस्ट व्यूड रील है। प्लीज। इस तरीके का हमारा ऑनलाइन सेटअप रहता है। 120,000 शेयर्स। तो ये सारा कंटेंट कपड़े बनाते कैसे हैं का एजुकेशनल कंटेंट है। हम वहाँ पे कंटेंट ही ऐसा डालते कि बच्चा आएगा तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा। बढ़िया। अमेजिंग। अभी ऐप दिखाओ। ऐप। आपने 2-3 बार बच्चा का शब्द का यूज किया, तो आप जनरली एज क्या होती है जो लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? नहीं, हमारे एक्चुअली मैं बच्चा वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस ब्यूटी ओनर्स, टेलरिंग ओनर्स, फिर 12th के बाद वाले बच्चे और जिन्होंने 3 साल कॉलेज किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग, वो भी हमसे सीखते हैं। तो एवरेज एज 17-18 साल है? नहीं नहीं, 18 से लेके 45-55 साल की लड़कियां, मतलब वुमन भी हमसे सीखती है। क्या बात है, इनको आप मैम कहते हो, उनको बच्चा कहते हो। एप्लीकेशन को ओपन करने पे कुछ ऐसा ओवरव्यू दिखता है। इसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। हमारे डिफरेंट क्लास है, वर्कशॉप्स भी है एंड फुल कोर्स भी है। आप समझा दीजिए आपके अलग अलग पैकेज क्या है और ज्यादा करके बिजनेस कौन से पैकेज से आता है? हमारे वर्कशॉप जो होते हैं वो 99 रुपीज से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो किसी को ब्लाउज मास्टर क्लास नहीं करना है, उसको सिर्फ एक ब्लाउज की सिंपल पैटर्न सीखनी है, तो वो 99 रुपीज से वो ब्लाउज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का एग्जांपल के तौर पे वो वर्कशॉप ले रहा है। एवरेज बच्चा क्या खरीदते हैं, क्लास खरीदते हैं कि पूरा कोर्स खरीदते हैं? दोनों तरीके से। एक्चुअली हमारा मोस्ट सेलिंग क्लास ब्लाउज मास्टर क्लास ही है। 99 रुपीज वाला? नहीं नहीं, 99 रुपीज वाला नहीं, उसकी फीस है 4,400। चलो मैं समझ गया। तो आप लो वैल्यू की प्रोडक्ट पहले बेचते हो, फिर आपकी सेल्स फोर्स कोई टेलीकॉलिंग के थ्रू हायर वैल्यू की प्रोडक्ट बेचती है। 37,000 की तो कोई खरीदेगा नहीं अपने? हाँ, उसके लिए बच्चों का फोन आता है कि इस कोर्स के लिए मुझे क्या एनरोलमेंट के लिए क्या प्रोसेस है। बाकी जनरली हम टेलीकॉलिंग पे भी उतना मतलब बातचीत होती नहीं है, बच्चा हम पे भरोसा करके ही वो सब कुछ एनरोल करता है। तो अभी नंबर बता दो कितना सेल है, क्या बता दो। पिछले साल हमने 78 लाख रुपीज किया था और इस साल मार्च से ही हमारा एप्लीकेशन बना है। इस साल अब तक हम कर चुके हैं 2 करोड़। नॉट बैड। कितना करोगे इस साल पूरे? इस साल में हम प्रोजेक्टेड हमारा है 6 करोड़। इसमें मुनाफा होगा कि नहीं? हाँ हाँ, मुनाफा है। अरे वाह, गुजरात में तो मुनाफा होगा ही। कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट 44% है। 44। मैं आपको यूनिट इकोनॉमिक्स आप समझा देता हूँ। जैसे हमारा GMV है 118, उसमें से GST हटा के हमारा नेट रेवेन्यू बचता है 100 रुपीज। उसके बाद कोक्स है हमारा 25 रुपीज, 75 हमारा बचता है GM, उस पर केक है 7 रुपीज, अदर कॉस्ट है 1 रुपीज, एबिटा बच गया हमारा 67, डेप्रिसिएशन लगता है 1 रुपीज, तो 66 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि गुजरात की मिट्टी में कुछ है, आप लोग धंधा इतना अच्छा करते हो ना, कुछ अलग करते। ट्रेनर का कॉस्ट कहाँ है? ट्रेनर का कॉस्ट मतलब वही है, यही ट्रेनर है। ट्रेनर आप ही हो क्या? हाँ, ट्रेनर यही है। आपको एक डाउट होगा वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ प्रिया मैम सिखा रही है तो फिर उनके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है। और आप पिछले 2-3 महीने क्या किए? इसीलिए अब मैं समझ रहा हूँ आप मैम क्यों बुलाते हैं उनको। क्या क्या, तो क्या बताओ। पिछले 2-3 महीनों से हमारा एक्चुअली एक नए कोर्स के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं जो हम लॉन्च करने वाले हैं, फुल ब्यूटिक मैनेजमेंट कोर्स। इसके अंडर में हम स्टूडेंट्स को ये सिखाएंगे कि ब्यूटिक को ओपन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, ये सब कुछ उसके अंडर में हम सिखाने वाले हैं। इसके अलावा अगले साल से हम फैशन फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, ये सारे कोर्सेज भी अलग अलग फैकल्टी के साथ लॉन्च करेंगे। ब्यूटिक मैनेजमेंट वाला कोर्स मैं लेने वाला हूँ। कितने बच्चे पढ़ते हैं ऑन एन एवरेज हर महीने? पिछले महीने 20,000। हर महीने कितने बच्चे एनरोल करते हैं आपको? हर महीने 10,000 बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसमें से 30% हमारा कन्वर्जन रेट है। वाओ। ये कोर्स करने के बाद लोग नौकरी करते हैं, बुटीक ओपन करते हैं, कितना कमा लेते हैं ये कोर्स करने के बाद?
जैसे मान लीजिए कि घरगथ्थू जो महिलाएं हैं वो 10 से 15,000 रुपए कमाती है, लेकिन ये कोर्स करने के बाद वो 40 से 50,000 रुपए आराम से कमा लेती है। क्यों, इतना कैसे बढ़ जाता है, जरा समझाइए। फिनिशिंग की वजह से उनके कस्टमर बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से। बट ये तो कला है, बट ये तो कला है ना, जरूरी नहीं है कि सबको वो आए। लेकिन इसके लिए हमने फर्मा लॉन्च कर दिया है कि मान लो आपने ब्लाउज बनाना है तो प्रिया मैम के हाथ का बना हुआ फर्मा ही आपको मिल जाएगा। मतलब फर्मा क्या होता है? स्टेंसिल्स। मैं आप साथ अगर बोलो तो मैं आपको दिखा दूं। हाँ, प्लीज दिखाइए, प्लीज दिखाइए। जैसे ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का पूरा सेट है। तो ये फर्मा जो है ये आपका प्रोडक्ट हो गया जो आप बेचेंगे। यस। तो ये अलग अलग साइज का बेचते हो? 28 से लेके 44 तक के साइज का सब साइज का होता है। कितने का है ये प्रोडक्ट? 2000 इसका सेलिंग प्राइस है। आई एम माइंड ब्लोन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मैं खुद ही अमेज्ड हूँ, मतलब सीरियसली, दिस क्रेजी, माइंड ब्लोइंग स्टफ। इसको यूज कैसे करते हैं, सिलाई मशीन के अंदर डाल के? इसको अगर आप बोलो तो हम इसका डेमो ही आपको दिखा, डेमो दिखा दें इसको। अभी देखो कि मैं ऐसा डेमो दे रही हूँ जैसे मैं क्लास में सिखाती हूँ। वेलकम टू द राजा रानी कोचिंग। आज हम क्लास में सीखेंगे कि ब्लाउज का कटिंग कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास बैक साइड का फर्मा है, उसको कट करने के लिए हमें फैब्रिक के ऊपर रखना होगा। फिर हम फैब्रिक को यहाँ पे कट टू कट रखेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो चोक है वहाँ से हमारा जो फर्मा है उसके ऊपर हम कट टू कट मार्क करेंगे। उसके बाद हम कट करेंगे। सबको ऐसा लगता है कि कटिंग और स्टिचिंग इतना इजी है, पर सच में वो नहीं है, क्योंकि हमारा कटिंग परफेक्ट होगा तो तभी तो हमारी स्टिचिंग परफेक्ट होगी, और हमारा स्टिचिंग परफेक्ट होगा तभी तो हमारा फिटिंग परफेक्ट आएगा। इस तरह से हमने जो यहाँ पे मार्क किया है उसको हमने कट कर दिया है। तो ये हमारी ब्लाउज का बैक साइड वाला पार्ट रेडी है। बहुत ही बढ़िया यार। वेल डन। आज से हमारे लिए भी आप प्रिया मैम। मोहित, प्रिया, अ फैंटास्टिक बिजनेस, अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स, बहुत बहुत मजा आया आपसे मिलके। जो मैं मेरी गणित है उसके हिसाब से आप बोल रहे हो जो 27,000 करोड़ का मार्केट है, एक टेलर साल में अगर 2.5-3 लाख का उसमें से कंट्रीब्यूट करता है तो 10 लाख टेलर जितने होंगे, 10 लाख टेलर में से आप 1 लाख टेलर को सिखा पाएंगे, तो मुझे 10-12 करोड़ से ज़्यादा इसका अभी पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। बहुत प्रॉफिटेबल होगा, आप 10 करोड़ 15 करोड़ जो भी करो, आप 5-6 करोड़ प्रॉफिट तो बनाओगे ही। तो ये इन्वेस्टेबल भी नहीं है, बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल बिजनेस है, एंड आपके लिए यू नो आई थिंक एक आप रोल मॉडल हो बहुत सारे इंडियंस के लिए। आज मैं इससे आज बाहर हूँ। बेस्ट ऑफ लक। प्रॉफिटेबल, इतना हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस का बहुत कम लोगों का होता है, इतना अच्छा पैसे कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत आओ। इन्वेस्टमेंट इतना कोई फायदा नहीं, अपना इसी को घुमाते रहो, अच्छा बिजनेस बनाते रहो। मेरा भी डिसीजन नो है, आई एम आउट। मैं भी विनीता और अमन से अग्री करूंगी कि आपने इन्वेस्टर नहीं लेना चाहिए इस वक्त। 67% EBITDA जोक नहीं है। कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, और आपको अगर बिजनेस एक्यूमेन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की अगर आपको मदद चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी कि विदाउट बीइंग एन इन्वेस्टर मैं आपके साथ कॉल करने में और आपको एडवाइस देने में आई एम 100% ऑन बोर्ड फॉर दैट, बट फॉर नाउ आई एम आउट। यार गाइस, मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मुझे लग रहा है कि जो आपने पकड़ा है, जिस तरह से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, रोजगारी सिखा रहे हो, नॉट जस्ट एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, और इसको आप अभी एक्सपैंड करके बुटीक में ले जा रहे हो, मुझे लगता है इन एंड अराउंड दिस एरिया 4-5 ऐसे कोर्स बन सकते हैं जहाँ पर आप 20-30 करोड़ का धंधा शायद बना पाए। तो आई थिंक इट इज़ वर्थ टेकिंग अ शॉट। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, 50 लाख रुपीज for 10% of the company, ठीक है? तो उससे आपका जो कैश फ्लो है उसमें 10% मेरी भागीदारी हो जाएगी। आप ज्यादा बनाएंगे मुझे ज्यादा मिलेगा, कम बनाएंगे कम मिलेगा, और साथ में जो आपको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कैपिटल चाहिए उसको मैं आपको 80 लाख देता हूँ, लेकिन उसका इंटरेस्ट लगेगा 15%। ओके? तो ये मेरा ऑफर है आपके लिए। को दो तरीके के ऑफर बना सकता हूं मैं आपके लिए। एक रॉयल्टी ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? आपको 1.3 करोड़ में दे दूंगा जो कि एक लोन अमाउंट है, उसके अगेंस्ट आप मेरे को आने वाले समय में
सेल के अंदर जो 10% है वो देते रहना, आपका मार्जिन काफी हाई है, प्रॉफिट काफी बना रहे हो, 10-10% करके मेरे को हर महीने पैसा वापस आता रहेगा, 1.3 मैं आपको अपफ्रंट दे दूंगा। जब 2.6 करोड़ ये हो जाएगा तब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके अंदर कोई इक्विटी नहीं मांग रहा मैं आपसे, मैं इसको रॉयल्टी डील की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। शार्क्स, हम आपका दूसरा ओवर सुनना चाहेंगे। तो उसके अंदर फिर इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन होगा, इन दैट केस आई विल मैच अनुपम्स ऑफर। चलो मैंने वो भी मैच कर लिया रॉयल्टी का, अभी सेम ऑफर हो गए दोनों बार। हमारा एक काउंटर ऑफर है जो आपके इक्विटी वाले ऑफर है, उसमें हम जाना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, 50 लाख रुपीस ओके, लेकिन इक्विटी कम हम करना चाहते हैं। कितना कम करना है? हम 50 लाख रुपीस फॉर 6% इक्विटी डाइल्यूट कर सकते, बाकी का लोन कर सकते। और आपको रॉयल्टी वाला ऑफर नहीं चाहिए, राइट? डेट टर्म्स आर ओके। यस, 10% से मेरे लिए मुश्किल है कम होना, सेम इज माय मिनिमम। मेरा भी 50 लाख 10% से कम में नहीं हो पाएगा अगर इस डील में जाना है तो। दैट्स माय फाइनल ऑफर। शार्क, हम डील नहीं कर सकते। नहीं, नो प्रॉब्लम बड़ी। 9% पे करोगे? नो, फिर नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड गुड, यू फॉट फॉर योर कंपनी। यस, शानदार हुआ, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। कुछ बहुत अमेजिंग बनाया उसके। आपसे मिलके सच में लगता है भारत एक नया भारत मिला। थैंक यू, सुपर मोहित, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।